अस्सलाम वालेकुम। आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो आज मैं आया हूँ नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद की कब्र पे। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था मैं भी कि चलें जाके देखते हैं। तो अभी आप यहाँ पे आ गया हूँ, आपको दिखाते हैं। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद की कब्र। आज से तकरीबन 2 साल पहले मैं जब यहाँ पर आया था ना, तो उस वक्त ये इतना ज़्यादा डेकोरेट नहीं था। तो तब तो जस्ट सिंपल जो है ना, सिर्फ कब्र मुबारक थी और ऊपर एक तख्ती लगी हुई थी। कब्र के ऊपर जो है ना, वो जंजीरें बांधी हुई थी। तो उस वक्त मैं काफ़ी ज़्यादा डबल माइंडेड हुआ था कि यार ये क्या है, ये तो हमारे पाकिस्तान का जो है ना शहीद है, तो एक शहीद की कब्र के ऊपर इस तरह क्यों किया हुआ है। तो वो जब ही हिस्ट्री का पता चला तो फिर मुझे समझ आया कि अच्छा ये मामला था। तो वो आज आपके साथ भी शेयर करते हैं। इंडिया वालों ने सबसे पहले जो हमला किया वो लाहौर के मुकाम से उन्होंने शुरू किया, और वहाँ से जंग होते होते वह चविंडा के मुकाम पे पहुँची। और चविंडा पे भी आपको पता है कि 600 टैंक का हमला था, और उधर भी पाकिस्तानी जवानों ने जो है ना अपने साथ ग्रेनेड्स बांध के ज़मीन पे लेट गए थे और टैंक्स को उड़ा दिया था। ये जी नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद की कब्र मुबारक है। ये जनाब जी है जी। कुछ अरसा हम लोग यहाँ पे पहले आए थे, तो तब ये इतना डेकोरेट नहीं था किया, ये इन्होंने अब जो है ना आर्मी वालों ने सारा कुछ किया है। तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त और प्यारा, बहुत ही खूबसूरत बना दिया इन्होंने। ये आपने फ्रंट लाइन देख सकते हैं ये सामने, और ये जनाब नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद, ये जनाब उनकी तस्वीर है, ये इनकी कुछ हिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है इन्होंने। नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद की हिस्ट्री के कुछ ये है, 1965 की जब जंग हुई तो उस वक़्त इंडिया वालों ने रात को 3 बजे के दरमियान जो है ना हमला किया पाकिस्तान की तरफ, और ये नारोवाल के महाज पे 0 लाइन जो है वहाँ पे हमला हुआ। तो ये जिधर कब्र मुबारक है इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि ये एक बन है यहाँ पे मिट्टी का, ये इसके उस पार दूसरी साइड पे जो है ना दरिया है, दरियाए रावी जो यहाँ से बह रहा है। तो दरियाए रावी के आगे वाली साइड पर जो है ना पाकिस्तान की आखिरी चौकी है, वहाँ पर जनाबे वाला जो भी आर्मी पर्सन थे तो और इंडियन आर्मी ने उन्हें जो है ना रात को सोते हुए जो है ना उन्हें गिरफ़्तार कर लिया और उन्हें शहीद कर दिया। और जब दरिया के इस साइड पे नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद तक ये खबर पहुंची, या जो इनके कमांडर थे उन तक खबर पहुंची, तो इन्होंने जो है ना फौरी तौर पे हमला शुरू कर दिया। इतने में जो है ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर हलचल मच चुकी थी यहाँ पर। तो फिर कमांडर साहब ने हुक्म दिया कि आप लोग पीछे हट जाएं। तो जब उन्होंने पीछे हटने की कोशिश की तो नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद ने देखा कि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि तकरीबन 400-500 टैंक थे जिस जो पाकिस्तान की तरफ से आ रहे थे हमले के लिए। तो ये सब अगर हो जाता तो ये ना 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 तो नारोवाल डिस्ट्रिक्ट और ना ही शकरगढ़ और ना ही चविंडा और सियालकोट, ये टोटल जो है ना इंडियन आर्मी के हाथों ना था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस जवान ने, नडर बहादुर ने अपना जो है ना बहादुरी के साथ मुकाबला किया और इंडिया को अच्छी तरह जो है ना नाको चने चबवाए थे उसने। जो मुकामी लोग हैं यहाँ के रहायशी, वो कहते हैं कि नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद ने अपने जो है ना साथ ग्रेनेड्स बांध के तो फिर जो है ना पुल को उड़ा दिया था। ये तो वो बात थी जो इलाका में की लोगों ने बताई, लेकिन जो इधर आर्मी पर्सन्स हैं उनसे पूछा, जो हमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने ये कहा कि ये एक इंजीनियर बटालियन का था जवान, तो उसने जो है ना थोड़े कोई एंटीन माइंस जो होती हैं इस तरह उन्होंने बारूद बांध के एक पुल की पहले एक साइड को तबाह किया और फिर जाके दूसरी साइड को तबाह किया। अभी मैं जा रहा हूँ दूसरी साइड पे पुल की तरफ, तो उधर जाके आपको तफसील से बताता हूँ और साथ वो भी दिखाता हूँ। अच्छा जी, अब मैं जा रहा हूँ दरे रावी की तरफ, और वो जो पुल है
उसकी तरह वो भी आपको साथ दिखाता हूँ कि वो कितना बड़ा पुल था जो नायक अब्दुल अजीज शहीद ने अपनी बहादुरी और अकलमंदी के साथ उसे उड़ा दिया था। ये रास्ते में जाते हुए ये तो सबसे पहले जो है ना मेन चीज़, ये देखें ये मस्जिद है, ये बहुत पुरानी मस्जिद है। यहाँ पे भी नायक अब्दुल अजीज शहीद ने नमाज वगैरह पढ़ी होगी और जितने भी पाकिस्तानी जवान इधर शहीद हुए थे उन्होंने भी यहाँ पे पढ़ी होगी नमाज। ये यहाँ पे कुछ पुरानी बिल्डिंग्स हैं, ये वैसी की वैसी समझ लें कि खंडर बन चुकी हैं। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे जो है ना ये कार पार्किंग है। और ये जनाब ये जो आप सामने देख रहे हैं ना ये सबसे पहला पुल का जो हिस्सा है ना इसके ऊपर पुल था, यहाँ पे इसके ऊपर पुल था वो जो सीधा उस तरफ जा रहा था इंडिया की तरफ। वो जो सामने दरख्त नज़र आ रहा है आपको वो इंडिया का दरख्त है। अब आगे चलते हैं आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे जब 2 साल पहले मैं आया था ना तो ये जड़ी बूटियाँ और ये इतना कुछ नहीं था, बिल्कुल साफ़ सुथरा था। लेकिन अब तो वैसे इधर देख के डर लग रहा है कि कहीं से कोई जानवर ही ऐसा ना बाहर आ जाए। अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अभी ये टोटल जो है ना ये दरिया रावी का हिस्सा था पहले, अब तो ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। दरिया रावी जो है ना बिल्कुल टूट चुका है, यानी कि थोड़ा सा छोटा सा रह गया यहाँ पे। वरना जो वो मैंने आपको वहाँ पे पुल दिखाया है उस पुल से भी जो है ना काफ़ी बड़ा था, यानी कि ये पुल पानी के अंदर था। इसके साथ ही ये आप दूसरी साइड देख सकते हैं, टोटल वीराना है यहाँ पे टोटली। और जनाबे वाली ये उस पुल का दूसरा हिस्सा है, ठीक है। ये देखें आप अब के अभी भी इतना मज़बूत है ये, ठीक है, यानी कि बिल्कुल मज़बूत है। कोई किसी किस्म का इसे ये नहीं है कि ये अभी गिर जाएगा टूट जाएगा, नहीं, बहुत ज़्यादा मज़बूत है। और ये वो पुल था जिसके ऊपर एट अ टाइम 2 यानी कि ट्रांसपोर्ट के सिलसिले चलते थे, यानी कि एक टाइम पे बस और कारें वगैरह और दूसरे नंबर पे जनाब जो है ना ट्रेन चलती थी। जब ये पार्टीशन से पहले इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठे थे उस वक़्त, लेकिन 1965 की जंग में जो है ना जब इंडिया वालों ने हमला किया यहाँ पे तो फिर नायक अब्दुल अजीज़ शहीद ने जो मौजूदा सूरत हाल थी उसको मद्देनज़र रखते हुए, ठीक है, उसने जो है ना ये पुल उड़ा दिया था। उसने सबसे पहले तो वो जो मैंने आपको पिछला पुल दिखाया वो उड़ाया था, और उसके बाद जो है ना फिर जैसे जैसे वो आगे जाता गया ना वैसे वैसे उसने पुल उड़ाता गया, और जब आखिरी पुल रह गया उसने उसे भी उड़ा दिया, और बाद में जो है ना हैंड टू हैंड फाइट करते हुए शहीद हुआ था। अच्छा जी, ये रहा दरिया रावी, आप देख सकते हैं कितना बड़ा दरिया है ये। ये आपको नज़र आ रहा होगा पुल का नीचे वाला हिस्सा जो पानी में है, और उसके बाद ये वाला हिस्सा भी पानी में है, और ये वहाँ तक जाता था पुल, यानी कि दरिया रावी इतना बड़ा था कि यहाँ से भी आगे जो पाकिस्तान आर्मी की चौकी है ना उससे भी आगे तक था ये पुल, यानी कि बहुत बड़ा दरिया था ये। तो अब जो है ना पानी नहीं है इतना, ये ख़त्म हो गया, ये थोड़ा सा हिस्सा रह गया बस इसका। तो जनाबे वाली बात करने का मकसद ये है कि इतना बड़ा पुल था और यहाँ से जो है ना इंडिया के टैंक्स जो इस पुल के ज़रिए यहाँ तक आ गए हुए थे, तो फिर नायक ने सबसे पहले उधर से पुल उड़ाया और फिर फाइट करते करते जो है ना वो ये आखिरी पुल पे आके उसने जो है ना इसको भी उड़ा दिया, और फिर हैंड टू हैंड फाइट करते हुए वो सामने जो है ना इस जगह पर वो शहीद हो गया था। और शहीद होते वक्त वहाँ पे दीवार पुल का जो एक हिस्सा है ना, यानी कि हम आम लफ्ज़ों में से कह सकते हैं दीवार, दीवार पे भी उसने अपना नाम या कुछ ना कुछ पाकिस्तान या जिंदाबाद ये इस तरह का कुछ लिखने की कोशिश की उसने, तो उस वक्त जो है ना वो लिखते लिखते शहीद हो गया। और साथ उसका जो यानी कि उसने अपना हाथ जो है ना वो ऐसे इस तरह पकड़ते पकड़ते वो नीचे शहीद हो गया, गिर गया। और वो खून आज भी ताज़ा है, जब भी बारिश होती है तो वो खून यानी कि बिल्कुल सुरख हो जाता है,
और आज भी ताज़ा है। यहाँ के जो इलाका मकीन लोग हैं वो ये सब बताते हैं और यह हकीकत है। अभी तो पानी का बहाव काफ़ी ज़्यादा है, वरना यहाँ से जो है ना वो सामने बोट नज़र आ रही होगी आपको साइड पे, वो थोड़ा सा आगे है, वो उस बोट के ज़रिए हम लोग जा सकते थे, लेकिन पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है जिसकी वजह से नहीं जा सकते। ये है जी वो पुल, बिल्कुल आप थोड़ा सा करीब से देख लें, ये देखें, एक ये है और दूसरा ये वाला है और तीसरा जो है वो वहाँ पे है। 1965 में जब इंडिया वालों ने कोशिश की थी ना इधर आने की, तो वो बिल्कुल यहाँ से इस पुल के ज़रिए उन्होंने आना था, और इस पुल पे एट अ टाइम जो है ना ट्रेन भी चला करती थी और बस और कार और मोटर बाइक जो भी उस ज़माने में हुआ करता था वो सब यहाँ पे चला करता था। और जब ये जंग के हालात हुए तो उस वक़्त जो है ना ये सब नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद ने जो है ना वो उड़ा दिया, क्योंकि नायक अब्दुल अज़ीज़ जो कि एक अक्लमंद और जुरतमंद आदमी था, हकीकत बात है ये उसका बड़ी दलेरी वाला काम है कि उसने एट अ टाइम, हालांकि इस दौरान बंदे के पास सोचने के लिए भी वक्त नहीं होता, और उसने ये सब पहले से, शायद पहले से तो नहीं आखिर एट अ टाइम उसने सोचा, तो उसने जो है ना ग्रेनेड्स के साथ इस पुल को उड़ाना शुरू कर दिया। उसे पता था कि अगर इंडियन टैंक पाकिस्तान में दाखिल हो गए तो जो है ना ये सारा अपना डिस्ट्रिक्ट नारोवाल और सियालकोट, क्योंकि दूसरी तरफ चविंडा का महाज भी, वो भी वहाँ पे भी जंग पूरे जोश व खरोश के साथ हो रही थी, और इधर नारोवाल सेक्टर पे ये भी जो है ना बिल्कुल संगीन सूरत हाल थी यहाँ पे भी। तो फिर उसने जो है ना वो अपने साथ ग्रेनेड्स बांध के तो इस पुल को उड़ा दिया था, तो जिसकी वजह से टैंक जो है ना फौरी तौर पे पीछे चले गए थे। ये सारी दिलचस्प स्टोरी है जनाब। अगर आप में से कोई भाई यहाँ आना चाहता है तो उसके लिए मैं आपको एड्रेस समझा देता हूँ। नारोवाल से शकरगढ़ रोड पे तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे आता है जसड़ कैंप। ये सामने आपको जसड़ कैंप का बोर्ड नज़र आएगा, और वो जो सड़क आ रही है वो नारोवाल से आ रही है, सीधी शकरगढ़ को जा रही है। ये सामने जो है ये जसड़ कैंप है, यहाँ से तकरीबन आगे काफ़ी फासला है नायक अब्दुल अज़ीज़ शहीद की कब्र तक, जो उनकी आखिरी आरामगाह है यहाँ पे। सबसे पहली बात तो ये है कि उसका अपना आईडी कार्ड जो है ना वो उसके पास हो, क्योंकि ये टोटल एरिया आर्मी और रेंजर के अंडर है, बिना वेरिफिकेशन के वो आगे नहीं जाने देते।